था ना बोतल से और फिर टूट गई। पीते पीते टूट गई? ऐसे कैसे हो सकता है अपने आप टूटते? तो ये कांड मिट्ठू ने किया था है, बोतल का ढक्कन तोड़ने वाला। मेरी बोतल तोड़ी थी इसने। शानवी की बोतल तोड़ दी है ना? हाँ। टूटी थी ये। खुद कैसे टूट गई? पानी पी रहा था। पी रहा था तो फिर कैसे टूटी ये? पानी पीने से तो ढक्कन टूटते नहीं है। कैसे तो कैसे टूटे? कैसे? सच्चाई बता दे। पहले से टूटी हुई थी। पहले से टूटी हुई थी। पहले से कहाँ टूटी थी? ये तो हमने नहीं लिया बोतल। नहीं आया, पुरानी हो गई अब। वो तो नहीं है। ये तो बहुत पुरानी थी। ये पहले से नहीं थी टूटी। नहीं पुरानी होगी तो तोड़ देनी। तोड़नी? मम्मा पुरानी हो गई, मुझे तोड़ दोगे अब? हाँ। गंदा बच्चा। कैसे है ना ये शानू, इसको कोई अक्ल नहीं है। मम्मा इसको बोलना था तो तोतला है। हाँ। मम्मा मेरे कंबल धोने की तैयारी चली हुई थी, मैंने सोचा कि नीचे फ्लोरी में बैठ के आराम से धुलेंगे, लेकिन देखिए आपको मौसम दिखाऊं। हाँ जी, हाँ जी, पत्ता गिर गया। पत्ता गिर गया, एक और मिट्टू ने पत्ते को कैच कर लिया तो हर कुछ ही खराब हो गया। अरे बाप रे, एकदम काली अंधेरी रात जैसी होगी। चलो अब अंदर चलो, ठंड हो गई। अब ठंड हो गई और बहुत तेज वाला तूफान भी है, साथ में बारिश भी स्टार्ट हो गई है। मैं आपको आगे से दिखा दूँ एक बार। ये देखो देखो, वहाँ से आ रही है तेज, एकदम आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। और एक काले घने बादल, एकदम काले ही काले। और ये मिट्ठू और शानवी को चिज्जी मिल रही है पापा से। चलो अंदर चलो। हाँ शाबाश, अब अंदर चलो। बारिश लगी हुई है, मौसम टोटली चेंज हो चुका है, ये आप देख सकते हो। पतिदेव और मैं तैयारी कर रहे थे अभी ब्लैंकेट धोने की ना, और हमारी तैयारी दरी की दरी रह गई। अब कल करना पड़ेगा वो, इसलिए मैं कहता हूँ आज का काम आज पर ही करना चाहिए। आज का आज देखा लगे तूफान चढ़िया, तूफान पे भी कर देना चाहिए, कोई चक्कर नहीं है। तो चलो बैठी हो, कोई टेंशन नहीं है। देखो बहुत ज्यादा बारिश लगी हुई है, ये देख सकते हो। और ऐसी बारिश में ना, वैसे आज तो मेरा फास्ट है, पर फास्ट के टाइम में ना अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो बात ही कुछ और बन जाती है। तो अब मैं बोलता हूँ बंद, चाय तो बना दे, क्योंकि आज पकौड़े तो मैं खा नहीं सकता क्योंकि फास्ट है मेरा। हाँ जल्दी कर दो चाय फटाफट, और जब तक काफ़ी आनंद ले सकते हो बारिश का, मौसम का। ये मेरे पीछे देख सकते हो, ये बहुत हर कुछ मौसम हो गया, एक नंबर मौसम हो गया है, ये देख सकते हो। ये मेरे साथ चली हुई है मेरी गुड़िया रानी, मेरी परछाई बन करके कहीं भी छोड़ेगी नहीं मेरे को, है ऐसा नहीं? हाँ। कुछ बोल दे थोड़ा सा। हाँ, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको कभी। ये मम्मा को कभी नहीं छोड़ेगी। और ना एक चीज़ दिखानी थी आपको कि मौसम बारिश हो रही है, जैसे आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी। और सनसेट हो रहा था, हो गया अभी, अब नहीं दिख रहा है सूरज बिल्कुल भी, ये देखो। तो हल्की हल्की सी धूप भी लग रही थी ना, और बारिश भी लगी हुई थी। तो ये चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए, शानवी ने ही मुझे बोला कि मम्मा बोला थोड़ी थोड़ी सी धूप भी लगी हुई है और बारिश भी लगी हुई है, और बोला अभी हम वीडियो बना लेते हैं। क्यों ऐसा बोला ना शानू ने? हाँ जी, हाँ जी। तो बस जी अभी डिनर की तैयारी यहाँ जल्दी ही शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्यूसडे का दिन है और फास्ट होता है पतिदेव का। तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी खाना वाना बना लेते हैं। और वो ना मुझसे पहले चले गए हैं और बना रहे हैं मटर पनीर। तो यहाँ से बंद की तरह ये दिखा खोल है जे, ये नहीं सुनेंगे अभी। तो हम परे से ही चलते हैं, चलो सानू फटाफट, बारिश भी हो रही है क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी बारिश हो रही है। ये ना लाइटनिंग की वजह से कभी एकदम डार्क ही हो जाता है ना, पता नहीं चलता कुछ भी। और ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, मैंने सोचा कि ये सब्जी बना रहे होंगे, ये बैठे हैं इधर न्यूज़ सुन रहे हैं डैडी के साथ। तो बस चलती हूँ मैं, चल पड़ती हूँ, फिर इनको भी दूंगी धक्का, तो ये भी करेंगे मेरी हेल्प। दो मिनट में पहुंचा दूंगी, है ना? और ये मैं बना रहा हूँ मटर पनीर। आप बोलोगे ये मटर पनीर ही खाते हैं, तो मेरा फास्ट है तो मेरा फेवरेट है। तो रेसिपी शेयर करने हैं, ये टमाटर डाल दिए हमने,
बात तो इसने ठीक बोली। और आजकल हम जल्दी कर देते हैं, खाना जल्दी लग जाता है बनाने। अभी टाइम कितना हो रहा है शायद? टाइम अभी कम ही है, बस आजकल सब सभी न्यूज में बैठे हैं यार, डैडी और मैं तो न्यूज देखते रहते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। पर चलो, और साथ में जोर जोर से बहस भी करते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये गलत है वो गलत है, पता ही क्या क्या सर दर्द लगा देते हैं। अच्छी अच्छी बातें सीखनी है, ठीक है। सबसे पहले मृदुल आया था मेरी हेल्प करने, मैं भी आई थी। उससे पहले आ गया था मृदुल, है ना मृदुल? आ गया था मेरी हेल्प करने। मैं कुछ जल्दी नहीं लिख रहा, मैं इससे पहले लिख रही हूं। ये वाले हैं चैप्टर नंबर 6 और ये क्या है? काया। ये कुकू कुकू। बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, चुप हो जाना है सबसे पहले। चुप। यहाँ पे ना चिक्स लिखा है, तो यहाँ पर भी चिक्स। हाँ, और चैप्टर का नाम है कुकू कुकू। तो अब हम देखो, हमारे पास ज्यादा चौक नहीं है तो हम ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही लिखेंगे, है ना? तो कोयल क्या करती है भाई? कोयल आजकल सुनाई देती है ना बाहर, दिखाई दे एन यू ए आर वाई जनवरी जनवरी आगे फरवरी एफ ई वी आर यू ए आर वाई देखो, इसमें भी यू ए आर वाई और इसमें भी यू ए आर वाई, तो बोलना ही है ना जो हो जाता है। अभी पूछूंगी मैं मेरे अलग अलग दोनों से किसको जल्दी याद हुआ। अब आगे है मार्च, एम ए आर एम ए आर दिख रही ना है, जो दिख रहा है वही पढ़ना है ना, एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। एम ए आर एम ए आर सी एच मार्च, ये बाद में बोलना। हाँ, अप्रैल अप्रैल ए पी ए पी आर आई एल आर आई एल मई जून जे यू एन ई जून जुलाई जुलाई जे यू एल वाई। चले इससे पहले आंखें बंद करो और तू भी बंद कर, बोल जनवरी किस पहले? जे ए एन यू ए आर वाई। वेरी गुड, अच्छा याद हो रहा है। किसकी जय हो कर रहे हो? नंदू की। अरे वाह जी वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं, नंदू की जय हो कर रहे हैं। अच्छा, नंदू को खाना लाते हैं।
ये आ गया, ये खुद ही आ गया, देख खाना लेने आ गया। तुझसे तो पूरा का पूरा ही कड़ाटा नहीं इतना। ओए परे, खाना लेने के लिए आया था, भाग गया फिर। पीछे पीछे आगे नहीं आना है, अभी जो भी लाए होंगे यहीं पे ले आएंगे, हमारे पास नहीं मिलेगा। पीछे हट जाओ, अभी हाथ लगाना मेरे साथ में। क्यों ऐसे नहीं लगाते हैं, हाथ नहीं लगाते हैं, हाथ धोने होते हैं, सामान धोना होता है, उसके बाद ही उसको टच करना होता है। डैडी जी को याद कर रहे थे, कोई बोल रहे थे, बोले कि कहाँ है, तो मैंने सोचा चलो अब से ही बात करा देते हैं। चला गया हूं कैलाश यात्रा में, जो है क्रॉस को दूर करने के लिए। कैलाश यात्रा में कैलाश यात्रा के, अब तो लॉकडाउन हो गया, कोई भी यात्रा नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया हो रखा है, लॉकडाउन होना बड़ा जरूरी है। देखो सावधानी अपने भी रखो, दूसरों को भी रखो। लॉकडाउन से देखो कितना शांत है, सब लोग बड़ी शांति से रह रहे हैं। अब प्रदूषण देखो, दिल्ली का, दूसरे शहरों का कितना शांत हो गया, गंगा साफ हो गई, लोग कर नहीं सके आज तक, तो प्रकृति सब कुछ कर देती है, शांत बिल्कुल, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसके पास काम नहीं हो अपने घरों में खेतों में काम करो, फल पौधे दूसरे और लगे रहो। हाँ यहाँ से बुन कर भाई दिन जी, एक दो कद्दू बेलना हो रहा है ना, थोड़े दिन बाद कद्दू पे टू तो हो जाएंगे, कद्दू पे टू बेली और कई कुछ, मतलब गुडाई पुताई सारा साफ सफाई, चारों तरफ ही साफ सफाई रखो, बिल्कुल ठीक है।